नमस्कार साथियों। चलिए तो हम लोग देख रहे हैं मध्य प्रदेश का सामान्य ज्ञान। तो अब बात करते हैं मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में मध्य प्रदेश के पुरस्कार एवं सम्मानों के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग कालिदास सम्मान के बारे में। कालिदास सम्मान, तो याद रखिए कालिदास सम्मान 1980 में स्थापित, यह मध्य प्रदेश का सबसे महत्वपूर्ण सम्मान है। प्रत्येक की राशि 2 लाख रुपए है, पूर्व में 1 लाख थी। तो याद रखिए कालिदास सम्मान कब शुरू हुआ, 1980 में। फिर तानसेन सम्मान, संगीत क्षेत्र की मान्यता प्राप्त हस्ती को 1980 में स्थापित पुरस्कार की धनराशि 2 लाख रुपए है। वर्ष 2010-11 का राष्ट्रीय सम्मान मिला था सुश्री सविता देवी को। फिर तुलसी सम्मान, ये 1983 में स्थापित हुआ है। तुलसी सम्मान, यह पुरस्कार आदिवासी लोक एवं पारंपरिक कला में श्रेष्ठ उपलब्धियों के लिए प्रतिवर्ष राशि 2 लाख रुपये इसमें। फिर देवी अहिल्याबाई सम्मान, ये प्रतिवर्ष किसी महिला कलाकार को 2 लाख रुपये दिए जाते हैं इसमें, इसके तहत। फिर देवी अहिल्याबाई के बाद किशोर सम्मान, किशोर सम्मान इसमें 2 लाख रुपये दिए जाते हैं। कबीर सम्मान, ये भारतीय भाषा की कविताओं के लिए प्रतिवर्ष 3 लाख रुपये दिए जाते हैं इसके तहत। इकबाल सम्मान, यह पुरस्कार 2 लाख रुपये है इसके तहत। मैथिली गुप्त सम्मान, 1 लाख रुपया दिया जाता है इसमें, और एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। लता मंगेशकर सम्मान, सुगम संगीत के क्षेत्र में भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार, 1984 में स्थापित हुआ, इसमें 5 लाख रुपये दिए जाते हैं। महात्मा गांधी पुरस्कार, गांधी दर्शन के अनुरूप सामाजिक कार्य करने हेतु 10 लाख रुपये दिए जाते हैं इसके तहत। अखिल भारतीय पुरस्कार, मध्य प्रदेश साहित्य परिषद द्वारा ये पुरस्कार दिए जाते हैं। सभी 11,000 रुपये की राशि वाले हैं। अगला है कुमार गंधर्व पुरस्कार, शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में स्थापित, 1,25,000 रुपये दिए जाते हैं इसके तहत। शिखर सम्मान, मध्य प्रदेश सरकार के संस्कृति विभाग द्वारा वर्ष 1980 से प्रदत्त पुरस्कार में 62,000 रुपये की नगद धनराशि प्रदान की जाती है। बात करते हैं हम लोग पत्रकारिता के क्षेत्र में मिलने वाले पुरस्कारों के बारे में। पत्रकारिता के क्षेत्र में माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता पुरस्कार, किसी कारगर संपादक को श्रेष्ठ संपादक हेतु संपादन हेतु दिया जाने वाला इस पुरस्कार में 5,000 रुपये की नगद राशि तथा प्रशस्ति पत्र प्रदान किए जाते हैं। याद रखिए माखनलाल चतुर्वेदी पुरस्कार किसी संपादक को ही मिलता है, पत्रकार को ही। राजेंद्र माथुर फेलोशिप पुरस्कार, शासन ने प्रसिद्ध संपादक राजेंद्र माथुर की स्मृति में 1,00,000 रुपये की फेलोशिप स्थापित की। यह लोक हित से जुड़े गंभीर और महत्वपूर्ण विषयों पर शोध को प्रोत्साहन करने के लिए दी जाती है। आगे बात करते हैं तरुण कुमार भादुड़ी पुरस्कार, प्रसिद्ध पत्रकार और लेखक स्वर्गीय तरुण कुमार भादुड़ी की स्मृति में मध्य प्रदेश शासन द्वारा प्रतिवर्ष 35 वर्ष की आयु तक के 2 युवा पत्रकारों को यह पुरस्कार दिया जाता है। जगदीश प्रसाद चतुर्वेदी पुरस्कार, राज्य के युवा पत्रकारों को श्रेष्ठ आलेखन हेतु 5,000 रुपये का यह पुरस्कार दिया जाता है। अगला है रामेश्वर गुरु पुरस्कार, राज्य की किसी पत्रकार के पत्रकारिता के स्तरीय प्रकाशन या संपादन हेतु 5,000 रुपये का यह पुरस्कार दिया जाता है। अगली है मध्य प्रदेश शासन द्वारा दी जाने वाली फेलोशिप, संस्कृति विभाग द्वारा प्रदत्त निम्नलिखित 5 शिक्षावृत्तियों में 1 वर्ष के लिए 1,000 रुपये प्रति माह, पर्यावरण नियोजन तथा एवं संगठन द्वारा प्रतिवर्ष युवा वैज्ञानिकों को इंदिरा गांधी फेलोशिप दी जाती है, जिसमें 2 वर्ष के लिए 4,500 रुपये प्रति माह और 30,000 रुपये आकस्मिक मानदेय। राजेंद्र माथुर स्मृति शिक्षावृत्ति, ये पत्रकारिता के क्षेत्र में
राजेंद्र माथुर स्मृति शिक्षावृत्ति, पत्रकारिता के क्षेत्र में मुक्तिबोध शिक्षावृत्ति, ये साहित्य के क्षेत्र में। अमृता शेरगिल शिक्षावृत्ति, ये चित्र और मूर्तिकला के क्षेत्र में। उस्ताद अलाउद्दीन खास संगीत शिक्षावृत्ति, ये संगीत के क्षेत्र में। चक्रधर शिक्षावृत्ति, ये शास्त्रीय नृत्य के क्षेत्र में। इंदिरा गांधी फेलोशिप, ये पर्यावरणीय शोध हेतु दी जाती है। आगे बात करते हैं अन्य पुरस्कारों की, बात करें मध्य प्रदेश के अन्य पुरस्कार, तो इसमें है जन नायक टंड्या भील पुरस्कार, तो इसमें 1,00,000 रुपये, यह पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ आदिवासी खिलाड़ी को दिया जाता है। अगला है रानी दुर्गावती राष्ट्रीय सम्मान 2018, यह पुरस्कार महिला रचनात्मकता एवं उनके प्रशासकीय नेतृत्व को प्रोत्साहन देने हेतु दिया जाता है। इस पुरस्कार के अंतर्गत 2,00,000 रुपये दिए जाते हैं। अगला है शंकर साह एवं रघुनाथ साह पुरस्कार, आदिवासी कला सृजन के लिए इस पुरस्कार के अंतर्गत 2,00,000 रुपये दिए जाते हैं। ठक्कर वापा पुरस्कार, यह पुरस्कार आदिवासी समाज में सेवाओं के लिए 2,00,000 रुपये दिए जाते हैं। शरद जोशी पुरस्कार, यह पुरस्कार 1992-93 से ललित निबंध, डायरी, पत्रलेखन, व्यंग लेखन हेतु उत्कृष्ट कार्य के लिए दिया जाता है। पुरस्कार राशि 51,000 से बढ़ाकर 1,00,000 कर दी गई। अगला है चंद्रशेखर आज़ाद पुरस्कार, इस पुरस्कार के अंतर्गत 1,50,000 रुपये दिए जाते हैं, प्रशस्ति पट्टिका भी दी जाती है। वीरांगना पुरस्कार, यह पुरस्कार महारानी लक्ष्मीबाई की पुण्यतिथि पर दी जाती है। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण पुरस्कार मध्य प्रदेश के और सम्मान।